हाय, ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ और कब देती हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या सरसों की खली की खाद को हम गर्मी में दे सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि इंडोर प्लांट्स को कौन सी खाद देनी चाहिए, और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है कि वेजिटेबल वाले प्लांट्स को कौन सी खाद देनी चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल का साइज़ छोटा रह जाता है। मैंने क्या फील किया है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो अपने प्लांट्स में कुछ भी डाल देते हैं, मतलब हल्दी डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं, छाछ डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने प्लांट्स को कैसे फर्टिलाइज़र देती हूँ और मेरा थ्रू आउट द ईयर क्या रूटीन रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी मैं अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ, मतलब जब भी मैं सॉइल मिक्सचर रेडी करती हूँ, इंडोर प्लांट्स के लिए हो या आउटडोर प्लांट्स के लिए हो, मैं उसमें कंपोस्ट ज़रूर ऐड करती हूँ, जो भी अवेलेबल हो, काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, जो भी हो। वैसे मेरे घर में परमानेंटली कोई ना कोई कंपोस्ट बनता रहता है, किचन कंपोस्ट बनता है या काउडंग कंपोस्ट बनता है। फिर भी मैं सेफर साइड 5 kg या 10 kg का जो बैग होता है कंपोस्ट का, वो मैं लेके रखती हूँ। सो दिस इज़ माय कंपोस्ट, और ये आप ब्रांड पे मत जाओ, मैंने लोकल मार्केट से जो मुझे मिला मैंने वो ले लिया। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाती हूँ कि कंपोस्ट होता क्या है। ये कंपोस्ट ऐसा होता है, किचन कंपोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो लाइट कलर का होता है। बाकी वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट ऐसा होता है। कंपोस्ट एक अलग चीज़ है, और जो सरसों की खली या नीम की खली है वो एक अलग चीज़ है। कंपोस्ट डालने से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही हैं, साथ में मुझे बार बार गुड़ाई नहीं करनी पड़ती है, और पानी भी मुझे उतनी जल्दी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि कंपोस्ट पानी को होल्ड करके रखता है और ये मिट्टी को पोरस भी बनाता है। सॉइल मिक्सचर में तो मैं कंपोस्ट ऐड करती ही हूँ, इसके अलावा मुझे कभी भी लगता है कि मेरे किसी भी पॉट की मिट्टी टाइट हो रही है या चिकनी हो रही है, तो मैं उसमें गुड़ाई करने के बाद कंपोस्ट ऐड कर देती हूँ। नाउ कंपोस्ट के अलावा एक और चीज़ है जो मैं अपने सॉइल मिक्सचर में ऐड करती हूँ, और वो है नीम की खली। नीम की खली एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, नेचुरल फंगिसाइड है, मतलब इसको डालने से मिट्टी में कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैं बहुत थोड़ा सा ऐड करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ नीम की खली। ये नीम की खली मैंने ऑनलाइन ली थी अमेज़ॉन से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी अगर आप चाहो। और ये मैंने लोकल मार्केट से बीज भंडार से ली है, ये मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी, 20 रुपये की पड़ी है ये। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से नीम की खली कैसी होती है, ये इस तरीके से। सॉइल मिक्सचर के अलावा मैं अपने पौधों पे और खाद ऊपर से लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आउटडोर प्लांट्स की। आउटडोर प्लांट्स में जितने भी वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, गोभी, करेला, भिंडी, जितने भी वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं, उनमें मैं हर 20 डेज में लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा वो मैं अभी बताऊँगी, लेकिन मैं 20 दिन के गैप में देती हूँ। वेजिटेबल प्लांट्स के अलावा जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, सपोज तुलसी है, करी पत्ता है, गुड़हल है, गंधराज है, अपराजिता है, बोगनविला, जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं वेजिटेबल के अलावा, उनको मैं हर 25 दिन के गैप में फर्टिलाइज़र देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैं कुछ 5 से 6 लिक्विड फर्टिलाइज़र्स यूज़ करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको बदल बदल के दूँ, मतलब चेंज कर करके दूँ। सपोज़ मैंने आज अपने करी पत्ता में एक फर्टिलाइज़र दिया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 25 दिन बाद मैं इसको कोई और फर्टिलाइज़र दूँ। इससे करी पत्ता में किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है, और न्यूट्रिएंट बैलेंस रहते हैं। तो जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हैं, उनमें मेरा फेवरेट है काउडंग फर्टिलाइज़र, दैट इज़ गाय के गोबर की खाद। ये मेरा तो फेवरेट है, मेरे प्लांट्स को भी बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने अपने चैनल पे फर्टिलाइज़र्स में सबसे पहले गाय के गोबर की खाद बनाई थी।
मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं गाय के गोबर की खाद ही देती हूँ, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मैं गाय के गोबर की खाद रोक देती हूँ और उसकी जगह मैं सरसों की खली की खाद देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे सरसों की खली की खाद का पैकेट है और ये मैंने ऑनलाइन लिया था। सरसों की खली का वीडियो भी है मेरे चैनल पर। ये ऐसे दिखती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग खाद होती है। सरसों की खली की खाद आप विंटर्स में तो दे सकते हो, आप गर्मियों में भी दे सकते हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लाइक मई जून जुलाई में, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को टच करने वाला होता है, उस टाइम आप सरसों की खली की खाद मत दीजिएगा। अदरवाइज़ आप अप्रैल में सेप्टेम्बर में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सरसों की खली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसमें अच्छे से पानी मिला के अच्छे से डाइल्यूट करके ही दीजिएगा। तो नेक्स्ट है नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। वैसे मैंने सॉइल मिक्सचर में तो नीम की खली का पाउडर ऐड किया था, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि साल में दो बार मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे दूँ। तो मैंने अभी फेब में नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगस्त में एक बार दे दूँ। इसके अलावा एक और लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। जब किचन वेस्ट कंपोस्ट बनता है तो उसमें एक लिक्विड निकलता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब कंपोस्ट बनता है तो एक टाइम के लिए तो ये लिक्विड बहुत सारा निकलता है, फिर निकलना बंद हो जाता है। तो मैं इस लिक्विड को स्टोर करके इसमें बहुत सारा पानी मिला के, मतलब डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में देती हूँ। पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वेजिटेबल वाले प्लांट्स में दूँ, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बच जाता है तो मैं अपने बाकी प्लांट्स में भी डाल देती हूँ। मैंने जो अभी आपको चार लिक्विड फर्टिलाइजर्स बताए हैं, काउडंग फर्टिलाइज़र, सरसों की खली की खाद दैट इज़ मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, देन नीम केक फर्टिलाइज़र और उसके बाद किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो इन चारों फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, मतलब इनमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है और इनमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। NPK दैट इज़ नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम तो होता ही है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, सब कुछ होता है। बट ये बताना कि कैल्शियम एग्जैक्टली कितना है, मैग्नीशियम कितना है, ये बताना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि हमने जब खाद बनाई है तो खाद बनाते समय इनपुट जैसा दिया गया है उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही आता है। मतलब जब मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ तो अगर मैं उसमें केले के छिलके बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ तो जो मेरी खाद बन के आएगी उसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस ज़्यादा होगा। अगर खाद बनाते समय मैंने अंडे के छिलके बहुत ज़्यादा डाले हैं तो जो खाद बन के आएगी उसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा। अगर मैंने हरे पत्ते बहुत ज़्यादा डाले हैं तो जो खाद बन के आएगी उसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। बट जितनी भी ये खाद है उनमें होता सब कुछ है, बिकॉज केले में फॉस्फोरस और पोटेशियम के अलावा बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, भले ही कम हो लेकिन होते हैं। तो मैं इन चारों फर्टिलाइजर्स को चेंज कर करके अपने प्लांट्स में देती रहती हूँ, जिससे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रहते हैं, मेरे प्लांट्स हैप्पी रहते हैं, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते रहते हैं, लीव्स भी शाइन करती रहती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि इनको देने के बीच में एटलीस्ट 20 डेज का गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, आप फर्टिलाइज़र दे दो, न्यूट्रिशन दे दो, वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी भी पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया, एक्सेस न्यूट्रिशन दे दिए, तो प्लांट का रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ इन फर्टिलाइज़र्स के अलावा भी कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं जो मैं अपने प्लांट्स में टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। उसमें पहला है बनाना पील फर्टिलाइज़र। जब मुझे दिखता है कि मेरे किसी भी पौधे में कलियां बन रही हैं या फ्रूटिंग या फ्लावरिंग की स्टेज पे आ गया है, या मेरा कोई फ्लावरिंग प्लांट है उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, तो मैं अपने पौधे पे बनाना पील फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कभी भी फील होता है कि मेरे प्लांट की कंडीशन ठीक नहीं है, जबकि मैंने उसमें फर्टिलाइज़र दिया है, धूप अच्छी मिल रही है, पानी बैलेंस है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है या लीव्स बहुत डल होती जा रही है, तो उस केस में मैं अपने प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट।
ये। तो ये दोनों फर्टिलाइजर्स, बनाना पील और एप्सम सॉल्ट, इन दोनों फर्टिलाइजर्स को मैं जब भी देती हूँ, मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि इनके 10 दिन पहले और इनके 10 दिन बाद मैंने कोई और फर्टिलाइज़र ना दिया हो, एटलीस्ट 10 डेज का गैप हो। अभी तक मैंने आपको आउटडोर प्लांट्स के बारे में बताया है और अब मैं आपको इनडोर प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे जितने भी इनडोर प्लांट्स हैं, एरिका पाम हो, जीवी, पीस लिली, क्रिसमस ट्री, सिंगोनिया, मॉन्स्टरा, जितने भी इनडोर प्लांट्स हैं उनको मैं हर 2 महीने के गैप में फर्टिलाइज़र देती हूँ। विंटर्स में मैं उनको फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं उनको काउ डंग फर्टिलाइज़र देती हूँ, लेकिन साल में एक बार मैं उनको सरसों की खली की खाद, दैट इज़ मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी देती हूँ। इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स के अलावा भी मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने पानी में रखे हुए हैं बॉटल में, तो अगर उनमें रूट्स नहीं आई हैं तो फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रूट्स आ चुकी हैं तो मैं उनको मंथ में एक बार फर्टिलाइज़र देती हूँ। कौन सा देती हूँ मैं ये दिखा रही हूँ, ये मेरा फर्टिलाइज़र है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ बॉटल क्या है, अगर बड़ी बॉटल है तो 2 ड्रॉप डालती हूँ, छोटी बॉटल है तो 1 ड्रॉप डालती हूँ। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, अच्छे से शेक किया और दैट्स इट, सफिशिएंट। इस फर्टिलाइजर के अलावा एक और चीज है जो मैं अपने पानी वाले प्लांट्स में देती हूँ और वो है एप्सम सॉल्ट। अगर मुझे कभी भी फील होता है कि मेरे किसी भी ये बॉटल वाले प्लांट की लीफ येलो हो रही है या इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, जैसे इसकी लीफ येलो हो रही है, डिपेंड कि साइज़ क्या है बॉटल का, तो मैं एक पिंच इसमें एप्सम सॉल्ट डाल देती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरा एप्सम सॉल्ट है, तो मैं इतना जितने भी वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा धूप चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है क्योंकि वो फ्रूटिंग करते हैं, उनको ज़्यादा मिनरल्स चाहिए। उसके बाद फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को चाहिए और सबसे कम इंडोर प्लांट्स को चाहिए। इंडोर प्लांट्स को धूप, पानी और न्यूट्रिशन सब कुछ काफ़ी कम चाहिए और इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। मैं अपने तुलसी जी में सिर्फ गाय के गोबर की खाद डालती हूँ और एक बार मैं सरसों की खली देती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी और मतलब एप्सम सॉल्ट, बनाना पील, फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं देती हूँ। प्लांट्स लिविंग बींग्स हैं, उनकी टेंडेंसी है ग्रो करना। अगर उनको अच्छी खासी धूप मिल रही है, पानी बैलेंस्ड मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, कोई पेस्ट का अटैक नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है। और जितने भी पौधे ग्राउंड में ग्रो होते हैं ना, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो पॉट में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, हमें उनकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो ये है मेरा रूटीन अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देने का। इन फर्टिलाइज़र्स के अलावा भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे ग्राउंडनट फर्टिलाइज़र है, कुछ लोग अंडे के छिलकों की खाद बनाते हैं, कुछ लोग अनियन पील मतलब प्याज के छिलके की भी खाद बनाते हैं, बहुत सारी खाद है। नीम की खली का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, ग्राउंडनट के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं वो भी बनाऊँगी। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने जितने भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए हैं, जो बताए हैं, वो सारे मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में अगर फर्टिलाइज़र्स वाली प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें ये सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं। और एक चीज़ और है, गाय के गोबर की खाद डालनी है, गाय का गोबर, उपला या कंडा नहीं डालना है। अब मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुकिंग और गार्डनिंग दोनों लगभग एक जैसे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मटर पनीर बनाने के बहुत तरीके हैं, वैसे ही गार्डनिंग में भी चीज़ें करने के बहुत तरीके हैं। कोई मॉर्निंग में पानी देता है, कोई इवनिंग में पानी देता है, इट्स ओके। सब लोग अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अपने स्टाइल से गार्डनिंग करते हैं। तो मैंने जो आज आपको बताया है वो मेरा रूटीन है, मेरा स्टाइल है अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देने का। तो आप मुझे अब बताइए कि आप अपने प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं,
और कब कब देते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको हेल्प मिली होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। मैं फिर से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।